यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अटेवा आजमगढ़ जनपद की हुई मासिक समीक्षा बैठक। आजमगढ़ पुरानी पेंशन के लिए निरंतर संघर्षरत संगठन अटेवा के जिला ब्लॉक एवं न्याय पंचायत पदाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक जनपद मुख्यालय के परानापुर स्थित एक मैरिज हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुभाष चंद यादव तथा संचालन घनश्याम ने किया। बैठक में पेंशन शहीद स्वर्गीय रामाशीष सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में प्रत्येक ब्लॉक के संयोजक प्रतिनिधियों ने अपने ब्लॉक की कार्य योजना और आगामी गतिविधियों को बताया। जिला संयोजक सुभाष चंद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में अटेवा के आगामी कार्य योजना को प्रस्तुत करते हुए जिला इकाई एवं ब्लॉक इकाई के तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेशीय मंत्री विजय प्रताप यादव बुरहनपुरी ने 12 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक अटेवा पुरानी पेंशन जन संवाद कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कहा कि पेंशन की लड़ाई में प्रत्येक युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको जोड़कर उसके महत्व को बताना है। मंडल संगठन मंत्री रामरतन यादव ने 28 जनवरी को रन फॉर ओपीएस ट्विटर अभियान के विषय में तकनीकी जानकारी दी। जिला संगठन मंत्री ओंकार सिंह ने प्रदेश नेतृत्व के 4 फरवरी 2024 के रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम में लखनऊ में अधिक से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने की अपील की। जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने पुरानी पेंशन एवं मतदाता जागरूकता मार्च 25 जनवरी 2024 के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पेंशन की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई है। जिला मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने अटेवा एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सुभाष चंद यादव के यूट्यूब ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर सभी अटेवियंस को सक्रिय रहने की अपील करते हुए उंगलियों की दिखाएंगे दम, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे हम का नारा दिया। नाहिदा अंसारी ने मातृ शक्तियों को पेंशन की लड़ाई में सक्रिय होने को कहा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने कहा कि सफाई कर्मचारी हर स्तर से अटेवा के जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जिला संगठन का विस्तार करते हुए मनोज कुमार मौर्य सदस्य जिला कार्यकारिणी पर्यवेक्षक नगर क्षेत्र, प्रेमचंद यादव सदस्य जिला कार्यकारिणी पर्यवेक्षक जहानागंज, राघवेंद्र चौहान ब्लॉक संयोजक जहानागंज, राजेश कुमार संगठन मंत्री ठेकमा, इंद्रेश कुमार सोशल मीडिया प्रभारी ठेकमा, विद्यासागर संरक्षक रानी की सराय, अनिरुद्ध यादव संयुक्त मंत्री रानी की सराय को मनोनयन पत्र दिया गया। बैठक में धर्मेंद्र यादव, सूर्यभान चौहान, देवेश यादव, कुसुम यादव, नंदलाल मौर्य, ब्रजेंद्र शर्मा, अशोक यादव, सतीश चंद्र पटेल, राम प्रताप, गीता यादव, बिंदु, अंशु राय, दुर्गा मिश्र, पीएन श्रीवास्तव अकेला, उदय भान यादव, बैजनाथ कन्नौजिया, बांकीलाल प्रजापति, दिलीप यादव, अनिल अजय प्रजापति, अरुण चौहान, कमलेश पांडेय, दिनेश मौर्य, निरंजन प्रजापति, जीतेंद्र चौहान, सत्य प्रकाश सिंह, राघवेंद्र पांडेय, श्री राम सिंह, धीरेन्द्र यादव, आलोक रंजन, सतंजय यादव सहित सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा का लोहा क्या आप जिम्मेदारी निभा पाएंगे? बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। सभी संगठनों, सभी सभी विभागों के से सहयोग लेते हुए, अपने युवाओं को जोड़ते हुए, जितना अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ते हुए ओपीएस में जो भी हो सकता है सब करूंगा, क्योंकि क्या इस तरह की बैठकें करने से ओपीएस बहाल हो जाए? बिल्कुल, जैसे जागरूकता जुड़ेंगे और ओपीएस के लिए क्या आपको लगता है कि ओपीएस जन आंदोलन बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देश में आज बनेगी नहीं बन पाएगी। विजय